हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम इन तीनों क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थर्ड नंबर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, उसके बाद 1 देख लें, उसके बाद 3 देख लें। और ये जो तीनों क्वेश्चन है, जिनका आप एक सेट बोल सकते हैं, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, एक्स गिवन है 2 + √3 और आपको फाइंड करना है x³ + 1/x³। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना प्लीज ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में आएगा, 1 और 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये वाला, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो आपको एक्स तो गिवन है और आपको x³ + 1/x³ फाइंड करना है। आपने पहले ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा जरूर, जब आपको x + 1/x गिवन होता है और आपको x³ + 1/x³ फाइंड करना हो। ठीक है, आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर बनाया होगा। नहीं भी बनाया तो ऐसा भी मैंने वीडियो बनाया था, जो आपको अभी ऊपर मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। x + 1/x गिवन हो और x³ + 1/x³ फाइंड करना हो, ये वैसा ही बात हो गया कि आपको a + b गिवन है और आपको a³ + b³ फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर आपको चेक करना है कि भाई a+b और a³ + b³ कौन से फॉर्मूले में आता है। बस वो फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, a³³ = a³ + b³ + 3ab a+b। इस फॉर्मूले से आपको a³ + b³ मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें तो a³ + b³ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको a+b का आंसर चाहिए। मतलब x³ + 1/x³ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको x + 1/x का आंसर फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको x तो गिवन है, सबसे पहले आप 1/x फाइंड कर लें। जब आपको x मिल गया, 1/x मिल गया, हम उन दोनों को ऐड करके x + 1/x का आंसर निकाल लेंगे। जब x + 1/x का आंसर मिल जाएगा, मतलब हमारे केस में a+b का आंसर मिल जाएगा, तो हम x³ + 1/x³ का आंसर भी निकाल लेंगे a+b³ वाले फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें 1/x का आंसर फाइंड करना है। तो x तो गिवन है 2 + √3, तो 1/x किसके इक्वल होगा, 1/x होगा 1 / 2 + √3 के इक्वल। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। a+b को a-b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। नीचे a+b a-b क्या होगा, a² - b² 2 - √3 वापस एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 - 3 2 - √3 / 1, तो इसका आंसर मिल गया हमें 2 - √3। तो 1/x का तो आंसर मिल गया, तो फिर x + 1/x का आंसर भी मिल जाएगा। x + 1/x कितना है 2 + √3 और 1/x कितना है 2 - √3, √3 कैंसिल, तो x + 1/x का आंसर मिल गया 4। अब आपको a+b का आंसर मिल गया और आपको a³ + b³ फाइंड करना है। एक बार हम यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, a+b³ था a³ + b³ + 3ab a+b। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको a³ + b³ फाइंड करना है, मतलब आपको x³ + 1/x³ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए a+b, मतलब सबसे पहले आपको चाहिए था x + 1/x, जो कि हमें मिल गया यहाँ पर 4। तो a³ + b³ के x³ + 1/x³, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी है, तो इसका भी आंसर आपको पहले मिलना जरूरी है। तो फिर आप ध्यान दें कि यहाँ पर एक अननोन है ab और एक है a+b, तो a+b का तो आंसर हमने फाइंड कर लिया x + 1/x, जिसका आंसर है 4। लेकिन आपको ab का भी आंसर फाइंड करना पड़ेगा। a³ + b³ फाइंड करने के लिए आपको एक तो चाहिए a+b और एक आपको चाहिए ab। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर a क्या है x, b क्या है 1/x, तो जब भी a और b x और 1/x हो, तो फिर ab का आंसर क्या होगा 1। a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और दो रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 1 आता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप कभी भी सोचेंगे कि आपको a+b तो मिल गया लेकिन ab नहीं मिला, तो आपको ab क्वेश्चन में भले गिवन ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि ab का आंसर 1 होगा, क्योंकि a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो आपको a+b मिल गया, a³ + b³ आपको करना है फाइंड, ab भी आपको पता है कि इसका आंसर तो 1 आएगा ही, और a+b आपको पहले से मिल चुका है। बस आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे, तो आपको a³ + b³ यहाँ पर x³ + 1/x³ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं।
यहां पर आप चाहे तो क्यूबिंग बोथ द साइड्स भी कर सकते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप आइडेंटिटी यूज कर लें ए प्लस बी होल क्यूब की तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस वन बाय एक्स का आंसर कितना है, वन, फोर हमने लिख लिया था ऊपर पहले, तो ये आ गया फोर का क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो ए बी का आंसर तो आपको मिल गया है वन, और एक्स प्लस वन बाई एक्स का आंसर कितना है फोर, तो फोर का क्यूब कितना होगा सिक्सटी फोर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का आंसर मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब हो गया सिक्सटी फोर माइनस ट्वेल्व के इक्वल, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब हो गया फिफ्टी टू के इक्वल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है जब आपको x प्लस वन बाई एक्स का आंसर दिया हुआ हो और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब फाइंड करना, उसका भी वीडियो मैंने बनाया था जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और आप ध्यान दें कि ये जो सेट हम इसमें सेट में तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर टू तो हो गया, आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर वन भी बिल्कुल ऐसा ही था, यहाँ पर आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब फाइंड करना था, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज आप ये तीनों क्वेश्चन को जरूर से देखें। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।